तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं एमो इलेक्ट्रिक गाड़ी के शोरूम पर और देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है, क्या प्राइस रेंज है और कौन कौन से फीचर है, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि शोरूम की बात करें तो ये शोरूम अभी रिसेंटली में ओपन हुआ है, तो सोचा क्यों ना चल के यहाँ देखा जाए कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है, क्या प्राइस रेंज है और क्या फीचर है, वो सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने पहले यदि आप हमारे पहली बार आए तो हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले मैं आपको एक बार शोरूम दिखा देता हूँ, शोरूम कैसा बना हुआ है। चलिए पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने शोरूम देख लिया होगा कैसा बना हुआ है, तो चलिए अब बिना देर के वो बुलाते हैं यहाँ पर हमारे सोनू भाई जी हैं, जो कि यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ हैं वो उस सब के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हेलो भाई। हेलो सर। तो सोनू भाई, अगर सबसे पहले बात करें तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं? जी, हमारे पास जो है अभी 4 मॉडल अवेलेबल हैं और एक हमारा जो है हिस्टी ईवी, वो हमारे पास जो अवेलेबल नहीं है। मतलब आपके पास टोटल 5 मॉडल की गाड़ियां हैं? हमारे पास 5 मॉडल की गाड़ियां हैं, बट अभी हमारे पास शोरूम में 4 मॉडल्स ही अवेलेबल हैं। अगर बात करें यहाँ पर केवल सारी लो स्पीड व्हीकल है या हाई स्पीड व्हीकल भी है? नहीं, हमारे पास दोनों लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी आपकी लिथियम आयन और लेड एसिड दोनों पे या सिंगल पे ही है? बैटरी भी हमारे पास दोनों ही लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरी। तो सुनो भाई, अगर बात करें बैटरी पावर की, मतलब कि कौन सी गाड़ी में कौन सी बैटरी पावर ली गई है, वो एक बार बता दीजिए। जी, तो ये हमारे पास जो है ब्रिक्स है, ये हमारा नया मॉडल है, 2 महीने का लॉन्चिंग मॉडल है। अच्छा, ये अभी 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है? जी, ये हमारा 2 महीने पहले का लॉन्चिंग मॉडल है। इसमें 60 वोल्ट और 30 Ah का पावरफुल बैटरी है। और इसे अगर फीचर की बात करें तो फीचर कौन कौन से मिल जाते हैं? जी, ये हमारे पास इसमें फीचर्स हैं, अभी तो ये हमारे रिमोट्स हैं जो इनमें सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम है, ये हमारा लॉक का है जिससे हमारी गाड़ी लॉक हो चुकी है, अभी हम इसको छेड़ेंगे या चलाएंगे तो अभी देखिए व्हील हमारा चल रहा है, ये गाड़ी लॉक हो चुकी है, ये हमारा लॉक हो चुकी है गाड़ी। अच्छा, मतलब आप जो गाड़ी छोड़ेगा तो लॉक हो जाएगी? जी, और अभी इसको मैंने अनलॉक किया, गाड़ी ऑफ हो चुकी है। अब हमारा इसी से ही ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, रिमोट से 2 बार प्रेस करने से ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम इसको विदाउट की ये यूज कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे फीचर तो आजकल जो गाड़ियाँ आ रही सभी में मिल रहा है। जी, लगभग मैक्सिमम सभी गाड़ियों में फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर इसमें बटन फंक्शन की बात करें तो बटन कौन कौन से मिल जाते हैं, स्पीड मोड में क्या मिल जाता है? जी जी, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये पहले तो हमारी स्टार्टिंग में गाड़ी है पार्किंग पे है, तो हमारे पास जो ये बटन है यहाँ पे इस पे पी लिखा हुआ है, इस बटन पे इसको जैसे हम प्रेस करेंगे ये हमारा पार्किंग मोड से हट गया है ये अभी, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारे जो है गियर्स का काम। अच्छा, मतलब कि एक ही बटन में 2-in-1 बटन दिया गया है? 2-in-1 बटन ही हमारे, तो यहाँ से आप गियर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जी, ये हमारे 2-1-2-3 जी जी गियर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर इधर करेंगे राइट हैंड में तो आपका पार्किंग मोड लग जाएगा। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी मिलने वाली है? इसकी स्पीड आपको लगभग 50 मिलने वाली है, आपकी 50 स्पीड देगी, मतलब 50 किलोमीटर की स्पीड ये दे देगी, स्पीड आगे की है? जी, ये 50 की स्पीड देगी और आपको सिंगल चार्जिंग पे लगभग 70-80 किलोमीटर का रन देगी सिंगल चार्जिंग पे। 70-80 मतलब 70-80 किलोमीटर एक बार चार्ज चली जाएगी? जी, एक बार चार्ज करने। अगर की बैटरी चार्जिंग बात करें तो इसमें बैटरी चार्जिंग टाइम कितना लेने वाला है और इसमें लेड एसिड है या लिथियम आयन है? जी, वो मैं बता दूं कि इसमें जो है लेड एसिड बैटरी पड़ी हुई और आपका चार्जिंग आवर है वो लगभग 4-5 घंटे का है, ये आपकी चार्जिंग आवर है। और अगर पीछे की अगर बात करें तो काफी खूबसूरत लग रहा है, एक बार जलाएंगे तो देखें कैसी जलती है। सॉरी, ये पूरी एलईडी लाइट दी गई है, इंडिकेटर एक बार सर ऑन करेंगे, मतलब सारे इसमें एलईडी यूज करी गई है, बल्ब नहीं लगाया गया किसी में भी? जी, इसमें सभी जो है एलईडी और डीआरएल का यूज हुआ है।
यहाँ पे आपको चार्जिंग का पॉइंट मिल जाता है चार्ज करने का मोबाइल। तो सोनू भाई अगर इसकी मैं वोल्ट की बात करें तो कितने वोल्ट पे मिल जाती है इसकी बैटरी? ये इसकी बैटरी जो 60 वोल्ट में मिलती 60 वोल्ट। और एएच की बात करें तो एएच कितना मिलने वाला है? ये एएच आपको 30 एएच मिलेगा इसमें, 30 एएच जी। तो अगर इसकी प्राइसिंग बात करें तो कितना प्राइस निकल के आने वाला है इसका? इसका प्राइस लगभग 70K, मतलब 70,000 ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। ये तो आपकी लो स्पीड व्हीकल है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है नहीं? नहीं, इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, किसी इंश्योरेंस की, आपको डीएल लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और अगर बात करें हाई स्पीड की, एक बार हाई स्पीड दिखा दी फिर और गाड़ियां देखते हैं। हाई स्पीड वाली कौन सी है? हाई स्पीड दिखा देता हूं, ये हमारी हाई स्पीड व्हीकल 20 प्लस। एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा लुक वाइज पूरा सेम ही लग रही है मेरे ख्याल से, उससे भी जी जी सिर्फ थोड़ा सेम ही लग रही है। और इसमें अगर पावर की बात करें तो इसमें कौन सी बैटरी मिलने वाली है और कितनी हाई स्पीड जाने वाली है इसके? इसमें जो हमारी बैटरी है वो 80G की बैटरी लगी हुई है और इसे 60 वोल्ट और 40 AH की जो कि पावरफुल बैटरी है और ये लिथियम आयन बैटरी पड़ी हुई। अच्छा, ये आपके लिथियम आयन बेस पर है? जी, ये लिथियम आयन बेस पर है। मैं आपको बैटरी भी इसकी शो करा देता हूँ, आइए मैं आपको बैटरी इसकी शो करवा देता हूँ। ये हमारी पावरफुल बैटरी। अच्छा, इसमें स्पेस की बात करें तो इसमें आपको स्पेस कम मिल जाता है? जी जी, इसमें एक आपको स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, इसमें आपको स्पेस नहीं मिल पाएगा। अगर फ्रंट में स्पेस बात करें तो सारी गाड़ियों में लगभग आपको उतना ही मिल जाता है, कोई अंतर नहीं है? जी जी, फ्रंट में आपको लगभग सारी गाड़ियों में उतना ही मिल जाता है। और क्या टॉप स्पीड की बात करें, इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है? इसकी टॉप स्पीड लगभग 65 तक जाएगी, मतलब 65 जी स्पीड से जाएगी जी। और एवरेज की बात करें, इसमें एवरेज कितना मिलने वाला है? इसमें जो है एवरेज आपको 110 से 120 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा एक बार की सिंगल चार्जिंग में। सिंगल मतलब फर्स्ट स्पीड मोड पर की हाई स्पीड मोड पर? और ये आप सेकंड स्पीड पे 120 प्लस भी जा सकते हैं। अच्छा, मतलब सेकंड पे 120 प्लस जा सकती है। 120 प्लस। अगर थर्ड पे चलाएंगे तो जो हाई स्पीड है उस पर कितना जाने वाली है? उसमें सर आपको जो है पूरा 110 किलोमीटर ये आपको रन कराएगा। 110 किलोमीटर जी, 110। अगर चार्जिंग बात करें, इसमें कितना चार्जिंग टाइम रहने वाला है? चार्जिंग आवर लगभग सेम ही है, जो 4 to 5 hours है, सेम ही है। और जो आपने पहले बताया था उसका कितना है? उसका भी 4 से 5 घंटे का तो चार्जिंग टाइम है। अगर इसके प्राइस की बात करें, कितना प्राइस निकल के आने वाला है इसका? ये ऑन रोड सर 90,000 का पड़ेगा। और फीचर की बात करें तो फीचर्स ऑलमोस्ट सारे सेम ही होंगे ना सर? फीचर्स ऑलमोस्ट सारे सेम। और बटन की बात करें, इसमें कुछ अलग बटन दिया गया है? जी, उससे थोड़ा अलग बटन दिया हुआ है क्योंकि उसमें हमारे में 2-in-1 बटन था, इसका हाँ। थोड़ा 2-in-1 नहीं है, ये थोड़ा अलग अलग बटन है। इसमें कौन कौन से बटन मिल जाते सर? ये हमारा जो है चाइल्ड लॉक, जो हमारा पार्किंग मोड था, और ये हमारा वो गियर शिफ्ट जो उसमें 1-2-3 था। अच्छा, ये यहाँ पे अच्छा अच्छा, ये हमारा क्रूज मोड है। अच्छा, मतलब आप एक स्पीड में अगर कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड पे आप चल सकते हैं जो भी आपने लगाई हुई हो। तो क्रूज कंट्रोल सारी गाड़ियों में मिलता है या केवल कुछ ही गाड़ियों में मिलता है? नहीं, ये सभी गाड़ियों में, मतलब सारी जितनी भी एमओ की गाड़ियां सब में मिलता है? जी, सभी गाड़ियों में फीचर से। अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस भी आपको थोड़ा सा यही मिल जाता है, डिग्गी में स्पेस तो मिलता नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ा आपको ये बूट स्पेस मिल जाता है। और इसमें भी आपको वही सब रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, लॉकिंग इसमें भी है। अगर डिस्प्ले की ऑन करके देखते कैसी सर है इसकी डिस्प्ले, अगर बात करें तो ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले है और उसकी आपकी कलर डिस्प्ले थी। उसी कलर डिस्प्ले ठीक। और सर अगर बात करें और कौन सी गाड़ी है लो स्पीड मॉडल में, सबसे लो प्राइस की गाड़ी कौन सी है? जी, हमारे पास एक लो स्पीड की गाड़ी है जो है ये हमारे सबसे कम प्राइस रेंज में जो है आपकी जी, जो हमारे पास है वो इंस्पायर है, ये हमारी लो स्पीड और लो रेंज की, मतलब दोनों यही है, लो स्पीड और लो रेंज। इसमें अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें आपको क्या फंक्शन निकल के आने वाला है सर? इसमें फंक्शन सभी सेम है, बस इसका थोड़ा सा डिस्प्ले में डिफरेंस है बाकी गाड़ियों से, इसका जो है ऊपर एक दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको हटा के जी जी जी। अगर इसकी स्पीड और चार्जिंग टाइम बात करें तो इसमें कितना लगने वाला है? चार्जिंग टाइम इसमें जो है 4 से 5 घंटे ही लगेंगे और अच्छा। आपकी स्पीड जो है आपकी लगभग 40 प्लस रहेगी। स्पीड 40 प्लस रहेगी जी। स्पीड आपकी अगर इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें कौन सी बैटरी मिलती है और कितने एच की है सर ये? इसमें लिथियम लेड एसिड की बैटरी मिलेगी जो 60 वोल्ट और 27 एच की मिलेगी। 60 और 27 एच की। तो सुनो भाई, अगर बात करें तो इसकी सीट काफ़ी छोटी मिल जाती है, ऐसा क्यों? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी, इसका ये एक मेन रीज़न ये है क्योंकि ये जो है डिलीवरी बॉयज के लिए अच्छा, पीछे कैरियर दिया हुआ है इसकी वजह से। जी, इसके पीछे कैरियर दिया हुआ है जिसको हमारी सीट को छोटा किया गया है और आगे भी बाकी गाड़ियों से थोड़ा स्पेस ज्यादा है बाकी गाड़ियों से। ये मेरे ख्याल से जो हीरो के फ्लैश मॉडल है
सेम उसी का ही लुक देखने को लग रहा है। जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि उसी अच्छा, का बिल्कुल। अगर इसमें स्पेस की बात करें, डिग्गी में इसमें कितना स्पेस मिलता है? जी इससे आपको जो आपने पहले देखा होगा उससे तो अच्छा स्पेस है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका स्पेस। ये अच्छा, मतलब कि ये आपका छोटा हेलमेट आराम से आ जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें आपका बड़ा हेलमेट तो मुझे लगता है आएगा, बड़ा नहीं आ पाएगा। ये आपकी एमसीबी मिल जाती है? ये हमारी एमसीबी है जिससे सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है गाड़ी का। अगर बात करें इसके साथ आपको एक्सेसरीज अलग से लेनी पड़ती है या आप साथ में देते हैं? नहीं, इसकी एक्सेसरीज जो है वो अलग से लेनी, मतलब सारे मॉडल में आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। जी तो वो लगभग कितना आ जाता है सर? वो लगभग हमारा जो है 2000 से 2500 के बीच में आता है, मतलब 2000 से 2500 रुपए की एक्सेसरीज अलग से आपको खरीदनी पड़ेगी। जी जी। और अगर बात करें तो और आपके पास कौन सी मॉडल है? ये हमारी 3 मॉडल हो गई है, आपके पास 5 है जो जिसमें से अभी एक अवेलेबल नहीं है, एक लास्ट बची वो कौन सी सर है? और, वो भी एक बार दिखा दीजिए। और हमारी ये लास्ट लास्ट है जो मैंने आपको दिखाई थी 20 प्लस, ये उसी का मॉडल है 20, ये 20 है उसी का मॉडल है, बस वो हमारा जो रजिस्टर्ड व्हीकल था और ये नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल। अच्छा, मतलब जो आपने दिखाया था वो ये उसी का बस हाई स्पीड और ये लो स्पीड व्हीकल है? ये लो स्पीड है, वो उसका हाई स्पीड था, ये उसका लो। इसमें अगर बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी कितने एएच की मिलने वाली है और कितने वोल्ट की मिलने वाली है? जी इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें लेड एसिड की बैटरी पड़ेगी, 60 वोल्ट और 30 एएच की बैटरी आपको मिलेगी इसमें। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि उस गाड़ी में 20 प्लस जो है उसमें आपको बूट स्पेस डिग्गी में नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखा दूं कि इसमें आपको स्पेस मिलने वाला है। जी जी, इसमें आपको मुझे स्पेस मिलेगा। अच्छा, ये आपकी लेड एसिड पर है? जी ये लेड एसिड पे बेस्ड है और ये रहा हमारा स्पेस। हाँ, इसमें तो आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। अच्छा, केवल आपके पास जो हाई स्पीड व्हीकल है केवल उसमें आपकी लिथियम आयन बैटरी मिली है? जी, जी, बाकी सब में आपकी लेड एसिड बैटरी मिली हुई है? जी, बाकी सभी में जो है वो लेड एसिड की बैटरी पड़ी है। अगर कोई अगर इसमें इस मॉडल में लेड लिथियम आयन लेना चाहे तो मिल सकता है कि आपको यही मिलेगा? फिर नहीं मिल जाएगा, बट उसके लिए जो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, जो कस्टमर वो चाह रहा है तो उसको टाइम पे उसको दे दिया जाएगा, लेकिन ये है कि 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। मतलब आप अगर लिथियम आयन लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकती है? वो भी अवेलेबल है, मतलब सभी सभी गाड़ियों में है, गाड़ियों में लिथियम आयन आपको मिल सकता है। अच्छा। और अगर सोनू भाई बात करें कि टॉप स्पीड की, तो इसमें आपको टॉप स्पीड कितने देखने को मिलने वाली है? इस गाड़ी में जो है हमारी टॉप स्पीड जो है 50 मिलने वाली है आपको, 50 टॉप स्पीड आपको इसकी मिल जाएगी, मतलब 50 की प्लस आप चलने वाली है? जी जी। और एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज कितना निकल के आने वाला है इसका सर? इसका एवरेज जो है आपका, जो आप अगर जो सेकंड मोड पे चलाएंगे तो आपका 80 का एवरेज आपको देगी, और अगर जो आप इसको थर्ड मोड पे चलाएंगे तो ये आपका लगभग 75 to 70 रहेगा एवरेज। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो कितनी होने वाली है सर? इसकी प्राइस जो है वो 72,000 है। 72,000। तो सोनू भाई अगर बात करें कलर्स की, तो आपको जो भी कलर ये मिलने इसमें मिलने वाले कि और भी इसके कलर आते हैं? नहीं, इसके और भी कलर अवेलेबल हैं, बट अभी हमारे पास जो है दीपावली के टाइम पे जो है उसके कलर जो है हमारे निकल गए हैं, बट अभी हमने ऑर्डर लगाया है तो उसमें हमारे और भी कलर आने वाले हैं। अच्छा, इसकी बात करें कि एमओ की कोई बाइक भी आने वाली है ऐसा कुछ है? नहीं, फिलहाल अभी अभी तो फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ना ही कोई मेल है जिससे जो है हमें पता चले कि कोई बाइक आने वाली है, क्योंकि बाइक का मेरे ख्याल से क्रेज ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हो कि युवा है तो उनको बाइक की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर बात करें कोई गाड़ी लेना चाहता है, ठीक है, तो फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है या आपको कैश कैश ही मिलेगी आपको? जी हमारे पास दोनों सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप जिससे चाहें वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ हैं जो हमारे चेक पे भी हैं तो उनके लिए बस ये है कि 2-3 दिन का टाइम चाहिए होगा, बाकी हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब EMI पे भी ले सकते हैं आप? जी बिल्कुल। अगर सबसे कम डाउन पेमेंट बात करें तो कितना देना पड़ेगा लेने के लिए? सबसे कम डाउन पेमेंट जो है हमारा वो लगभग 25 के करीब है, क्योंकि 1/3 हमारा वो होता है डाउन पेमेंट जो भी है, 1/3 ही होता है। तो उसमें जो है हमारी गाड़ियों की प्राइस पे जो डिपेंड करता है कि आपका डाउन पेमेंट क्या जाएगा और खुद की अपनी गुडविल की। और अगर बात करें इसमें और भी मॉडल आने वाले केवल MO5 ही मॉडल बनाती है? जी सर, अभी तो हमारे पास जो है वो न्यूज यही है कि हमारे पास जो है वो 5 ही मॉडल्स हैं, और बाकी भविष्य में जो भी होता है उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर सोनू भाई बात करें तो कंपनी जो है एमओ कंपनी है वो किस की कंपनी है? और ये एमओ कंपनी है जो हमारे सुशांत सिंह जी की है, वो है इनके फाउंडर जो टाटा में बैटरी का काम देखते थे अपना। अच्छा, और ये हमारी है नोएडा की। अच्छा, नोएडा की कंपनी है? नोएडा की है, हमारी यूपी की कंपनी। अच्छा, और सोनू भाई अगर एक बार अपना शोरूम का जो एड्रेस है वो बता दीजिए, जो भी अगर व्यूअर देख रहे हैं अगर आना चाहें विजिट करने के लिए तो उनको एक बार एड्रेस आप बता दीजिए पूरा, ये क्या लगता है यहाँ पर?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा शोरूम का नाम है एमओ ग्रीन व्हील्स, एमओ और ग्रीन व्हील्स। जी ये रिंग रोड के सर्विस लेन पे पड़ेगी आपका, रिंग रोड से 200 मीटर पहले, वो कुरुनगर चौराहे से 200 मीटर पहले, और ये चंद्रकला एयरकेट में हमारा जो है ये शोरूम है अच्छा, जी, मतलब कि खुर्रम नगर चौराहा इंदिरा नगर इंदिरा नगर में लगेगा। तो जी। दोस्तों यदि आपका और इस गाड़ी से जुड़ा कोई क्वेश्चन हो, मैं जो यहाँ के डीलर है उनका नंबर नीचे दे दूंगा, आप डायरेक्ट उनको बात कर सकते हैं। अगर सोनू भाई बात करें तो आपके यहाँ पर अभी एक थ्री व्हीलर गाड़ी है जी वो मैंने जी देखी थी, तो उसको अगर कोई लेना चाहता है वो, तो वो कैसे ले सकता है? सर, उसके लिए प्रोसीजर ये है कि उसके लिए जो है ना हमें वो एडवांस उसकी बुकिंग करनी होती है, क्योंकि एक वो ऑर्डर पे ही बेसिकली आती है। अच्छा, आपके पास कोई उसका डेमो नहीं है अभी यहाँ नहीं, पर? अभी उसका हमारे पास कोई डेमो नहीं है, बाकी उसकी एक पिक्चर है, मैं आपको दिखा सकता हाँ, वो हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी तो लोगों को काफ़ी डिमांड थी कि सर मुझे ये गाड़ी चाहिए, जी और जहाँ पे मैंने बनाई थी वहाँ वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो सोचा कि यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये सेम टू सेम मॉडल है, यदि आप इसको कोई खरीदना चाहता है तो इसको कैसे खरीद सकता है, इसको खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग करनी होगी। कितनी करनी होगी सर और कितना बुकिंग टाइम में मिल जाएगी? करने के लगभग ये आपको 45 से 40 दिन में आपको गाड़ी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी, और इसकी बुकिंग का अमाउंट लगभग 1/3 ही होगा। अच्छा, जी मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये आपको पे करेंगे तो जी आपकी जी ये गाड़ी पच्चीस बुक से हो तीस जाएगी। हजार जी और कितना समय में मिल जाएगी गाड़ी लगभग आपका? ये आपकी गाड़ी जो है कंप्लीट 40 दिन में मिल जाएगी, आपको हैंड अच्छा ओवर कर दी जाएगी। चलिए, क्योंकि इसकी मेरे पास बहुत डिमांड आ रही थी और जो जिनसे मैंने दिया था उनका नंबर वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, तो मैंने यहाँ देखा तो सोचा था कि इनका नंबर क्यों ना दे दूँ। तो मैं जो उस वीडियो में आपका इस गाड़ी का नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ जा करके इससे यहाँ पर आप बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको पहले बुक कराना पड़ेगा तभी आपको ये गाड़ी मिल पाएगी। तो दोस्तों ये है एमो शोरूम जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे जितनी गाड़ी थी सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, क्या मॉडल है, क्या प्राइस रेंज है, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को करते हैं खत्म और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।